Hi friends, welcome back to our channel. Today we are dealing with Evidence Act. Evidence Act, जैसा कि अपन सबको मालूम है कि उसमें पार्ट 3 है, चैप्टर 11 है, सेक्शन 167 है. मगर इट्स बिट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कि इसमें पार्ट कितने हैं, चैप्टर कितने हैं और सेक्शंस कितने हैं. इसके लिए मैंने खुद ने एक आसान तरीका ढूंढा, मैंने खुद ने ड्राइव आउट किया कि एक अगर हम ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं और उस ह्यूमन बॉडी को दिमाग में रखते हुए दो हिस्सों में काट देते हैं, एक ऊपर के हिस्से से, एक बीच के हिस्से से, तो जो हमारा ये बॉडी जो है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाती है. और इस तरीके से पार्ट वन हो जाता है, जो यहाँ तक का हिस्सा है, नेक तक का, उसके जो मिडिल का हिस्सा है वो पार्ट टू हो गया और नीचे का जो बॉटम का हिस्सा है वो पार्ट थ्री हो गया. तो चैप्टर जो पार्ट थ्री थे इसमें आ गए. अब बात आती है कि चैप्टर इसमें कितने हैं. चैप्टर 11 हैं, मगर उनको कैसे याद रखा जाए उसके लिए मैंने क्या करा कि सोचा कि ये जो दो पैर हैं वो एक और एक मिलके दो कहलाते हैं, साथ ही साथ जो आपके पैर हैं वो एक और एक मिलके 11 भी कहलाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे नीचे चैप्टर 11 लिख दिया. अब चैप्टर 11 को हमको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के अंदर डिवाइड करना है और वो किस तरीके से प्लेस है एविडेंस एक्ट के अंदर वो देखने के लिए. और आसान तरीका ये देखा कि हमारी दो आंखें हैं, उन दो आंखों में पहली आंख को हमने चैप्टर वन कंसीडर कर लिया और दूसरी आंख को चैप्टर टू कंसीडर कर लिया. तो हमारे पार्ट वन के अंदर चैप्टर वन और चैप्टर टू हो गए. अब बात आती है दूसरे जो चैप्टर्स हैं उसमें पार्ट टू के अंदर जो चैप्टर्स कंटेन हो रहे हैं वो चैप्टर थ्री, जो हमारा राइट आर्म है वो चैप्टर थ्री वहां तक एल्बो तक की हो गई और एल्बो के नीचे वाली जो है वो चैप्टर फोर हो गई. लेफ्ट आर्म में जो था वो एल्बो तक का C5 हो गया और चैप्टर जो था एल्बो के नीचे वो चैप्टर 6 हो गया. इस तरीके से पार्ट टू के अंदर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6. नाउ द लेफ्ट आउट चैप्टर्स आर दैट कम्स इन द पार्ट 3. जो पार्ट 3 के अंदर आ रहे हैं उसमें राइट जो हमारा लेग है उसमें आपका थाई के पोर्शन तक, नी के तक, ये चैप्टर 7 आ गया. नी के नीचे जो है चैप्टर 8 आ गया. लेफ्ट में चैप्टर 9 आ गया, नी से नीचे का चैप्टर C10 आ गया और उसके नीचे जो था हमने पहले से ही जो लिखा हुआ था चैप्टर 11. तो इस तरीके से हमारे सारे चैप्टर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बराबर डिवाइड हो गए. और इसके बाद अब हमको ये देखना है कि सेक्शंस एविडेंस एक्ट के अंदर 1 to 167 है वो किस तरीके से किस किस चैप्टर के अंदर फॉल कर रहे हैं. उसके लिए फिर जब देखा तो चैप्टर 1 के अंदर हमारे सेक्शन जो है 1 to 4 हैं, जो 1 to 4 हैं वो प्रिलिमिनरी की बात कर रहे हैं. फिर बात आती है चैप्टर 2 के अंदर. चैप्टर 2 के अंदर जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 5 to 55 है जो कि रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात हो रही है. इसके बाद फिर जो चैप्टर आपका पार्ट 2 के अंदर आ रहा है चैप्टर C3 जो है उसमें सेक्शन 56 to 58 है, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड है. इसके बाद आपका जो C4 है उसमें सेक्शन 59 to 60 है जो कि ओरल एविडेंस की बात कर रहा है. हम आते हैं फिर अपना C5 के ऊपर. तो चैप्टर 5 के अंदर सेक्शन 61 to 90 तक है जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है. फिर हम आते हैं चैप्टर 6 के अंदर जिसमें कि सेक्शन 91 to 100 तक है जिसमें एक्सक्लूशन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात हुई है. हमारा जो बॉटम का पोर्शन है जो कि पार्ट 3 है, पार्ट 3 के अंदर जो चैप्टर 7 है उसमें सेक्शन 101 to 114A है जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है. और जो चैप्टर 8 है उसमें सेक्शन 115 to 117 है जो कि स्टपल की बात कर रहा है. चैप्टर 9 जो है 118 to 134 है और जो कि विटनेसेस की बात कर रहा है सेक्शंस. और जो सेक्शन 135 to 166 है वो चैप्टर 10 के अंदर है जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात है. लास्ट में जो आपका चैप्टर 11 है उसके अंदर सेक्शन 167 है जो कि इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन की बात है.
अब बिल्कुल एक समराइज वे में आपको बता देता हूं, जिसमें कि पार्ट वन के अंदर चैप्टर वन एंड टू सेक्शंस आर फ्रॉम वन टू फोर इन द चैप्टर वन एंड चैप्टर टू दैट इज सेक्शन 5 to 55. देन पार्ट टू इज देयर दिस चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स विच स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 56 टू अप टू सेक्शन 100. और जो आपका पार्ट थ्री है उसके अंदर चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 द सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम 101 टू दैट इज चैप्टर सेक्शन 167. माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. थैंक यू.